सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इसके बेल आइकन को ताकि देख पाए आप आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, सदाबहार धनिया की खेती से लाखों कमाओ। जी हाँ, सदाबहार धनिया की खेती से लाखों रुपए कमा सकते हो। कैसे कमाएंगे, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास खेतों की व्यवस्था नहीं है तो आप घरों में भी लगाकर धनिया की खेती से आप अपने घरों में अच्छे यूजफुल के लिए धनिया कर सकते हैं। जैसे कि घर में हमारे डेली यूज होता है हरा धनिया, यदि आप चाहते हैं लगाना तो आप गमलों में भी लगा सकते हैं और इसकी खेती कर सकते हैं। यदि आपके पास खेतों की व्यवस्था है तो आप खेतों में भी लगा सकते हैं। तो कई सारे फायदे हैं इस धनिया के। पौष्टिक तत्व और कई सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। तो चलिए बात करते हैं धनिया की खेती के बारे में। तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। तो दोस्तों, बता दें आपके लिए कि जलवायु एवं भूमि कैसी होनी चाहिए। तो धनिया की खेती शीतोष्ण एवं उपोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु में की जाती है। वसंत ऋतु में पाला पड़ने से पौधों को क्षति होने की संभावना रहती है। इसका अंकुरण होने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। धनिया की खेती के लिए दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। ऐसी भूमि जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा हो एवं जल निकास की भी उचित व्यवस्था हो तो इसकी खेती के लिए वह भूमि उचित होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6.5 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा अम्लीय एवं लवणीय मृदा इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है और ऐसी भूमि में हमारी फसल ज्यादा प्रभावित हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हम खाद एवं उर्वरक की। तो कैसे खाद होना चाहिए। धनिया प्रति हेक्टेयर में बुआई के लिए 100 से 150 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद, 80 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। खेत की तैयारी के समय गोबर खाद को मिट्टी में भली प्रकार से मिला लें। नत्रजन की 2/3 मात्रा एवं फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा को अंतिम बार जुताई से पहले खेत में डाल दें। नत्रजन की शेष 1/3 मात्रा को 2 बराबर भाग में बांटकर पहली बार बुआई के 30 से 35 दिन बाद देना चाहिए एवं शेष भाग को फूल निकलते समय देना चाहिए। तो ये तो अपनी खेतों की बात हो गई। यदि आप गमलों में करते हैं तो आप सिर्फ गोबर के खाद को ही मिला देंगे तो उसमें आपका काम बन जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, धनिया की फसल में कार्बनिक खादों के प्रयोग से अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि ऐसे खेत में जिनमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है तो इससे पौधों की बढ़वार भी प्रभावित हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं बुआई की। तो बता दें दोस्तों कि धनिया को पत्ती के रूप में उपयोग करने के लिए इसको साल भर उगाया जाता है, जबकि बीज के उद्देश्य उत्तरी व मध्य भारत में इसकी एक फसल ली जाती है जिसकी बुआई अक्टूबर में करते हैं, जबकि दक्षिणी भारत में इसकी दो फसल ली जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी बुआई मार्च में करते हैं। कर्नाटक एवं तमिलनाडु में मई माह में बुआई करते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस तरीके से बुआई की जाती है। बात करें दोस्तों बीज की मात्रा कितनी और कैसे लेंगे। तो दोस्तों, बीज की मात्रा इसकी बुआई 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से करते हैं। बीज की बुआई से पहले हल्के हाथ से रगड़कर या तोड़कर दो भागों में बांट लेना चाहिए। धनिया के बीज को बोने से पहले कवकनाशी दवाओं जैसे बाविष्टन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना आवश्यक होता है। इस प्रकार से उपचारित बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगोकर बुआई करने से 71.33% तक अंकुरण पाया गया था। धनिया के बीज बुआई के लगभग 10 दिन बाद अंकुरित होते हैं जो कि सभी जानते हैं भली भांति रूप से। बात करते हैं धनिया में पौध अंतराल की। तो दोस्तों, बता दें कि पत्तियों में बुआई 25 से 40 सेंटीमीटर तक की जाती है एवं पौधों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। अतः संस्क्रिया जाने तो धनिया में पौधों को खरपतवार से मुक्त रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके लिए धनिया में 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए और पहली निराई गुड़ाई अंकुरण से 20 से 30 दिन बाद आरंभ कर लेना चाहिए, जबकि दूसरी एवं तीसरी 20 से 25 दिनों के अंतराल पर कर देना चाहिए। तो इससे हमारी फसल काफी अच्छी बनी रहेगी और किसी भी तरह का रोग नहीं लगेगा। बात करते हैं खरपतवार की। तो दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण हेतु अनेक खरपतवार नाशी का प्रयोग भी करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से लिनुरान, प्रोमेटेन, प्रोबेमेल इत्यादि का प्रयोग करने से खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। लेकिन जब भी आप किसी भी खरपतवार नाशी का प्रयोग करें अपने खेतों में फसल पर, तो सबसे पहले सलाह मशवरा जरूर ले लें किसी बीज भंडार के दुकानदार से, किसी एक्सपर्ट से, अन्यथा आपकी फसल प्रभावित भी हो सकती है।
अब बात करते हैं सिंचाई की। तो दोस्तों बता रहे हैं कि धनिया की पत्तियों को बराबर हरा भरा एवं मुलायम तथा रसीला रखने के लिए बराबर एवं कम अंतराल पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। सिंचाई की कुल संख्या भूमि के प्रकार एवं मौसम पर निर्भर होती है और भारी मिट्टी में लगभग 3 से 4 बार एवं हल्की भूमि में 5 से 6 बार सिंचाई करना चाहिए, जिससे फसल काफी अच्छी बनी रहती है। अब बात करें पत्तियों की तुड़ाई एवं भंडारण की। तो दोस्तों बता दें कि धनिया में हरी पत्तियों की तुड़ाई बीज को बुआई से लगभग 16 से 20 दिन बाद की जा सकती है। इस समय तक इसके पौधे से 5 से 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई के हो जाते हैं और पत्तियों की तुड़ाई बुआई के 60 से 70 दिन बाद तक, जब तक उसमें पुष्प नहीं आ जाते तब तक तुड़ाई करते रहते हैं। इसके अलावा यदि धनिया को पत्ती एवं बीज दोनों उद्देश्यों से उगाया जाए तो पत्तियों की 1 से 2 बार कटाई करने के बाद बीज के लिए छोड़ देते हैं। इसकी उपज की बात करें तो धनिया के बीज की औसत उत्पादन क्षमता 6 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है और हरी पत्तियों की दृष्टि से इसकी उत्पादन क्षमता 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। यदि आप हरी पत्तियों को बेचना चाहते हो तो आराम से 80 90 100 क्विंटल तक आप पैदावार ले सकते हो, और यदि सूखी बीजों के रूप में उपचारित करके आप पैदावार लेना चाहते हो तो 6 से 10 क्विंटल के बीच में आपको पैदावार प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हरे धनिया की सदाबहार खेती की जाती है, जिसमें काफी हद तक प्रॉफिट ही प्रॉफिट है यदि सही तरीके से किया जाए तो। तो दोस्तों कैसा लगा आपके लिए वीडियो का टॉपिक? पसंद आया हो तो इन सारे आइकन में से किसी एक जगह भी आपका अकाउंट हो तो शेयर जरूर कर देना। दिल में कोई बात हो तो कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। साथ में इसके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो देख पाए आप सबसे पहले। मिलेंगे ऐसी खेती किसानी से जुड़ी जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।